वो गाना तो सुना है ना कि छोड़कर सारी शर्म और लाज में इतनी जोर से नाची आज की घुंघरू टूट गए। लगता है ये गाना झनक ने भी सुन लिया था, तभी तो झूम झूम कर नाच रही हैं, इतनी जोर से नाच रही हैं अनिरुद्ध की आशीर्वाद सेरेमनी में, कि घुंघरू तो खैर इन्होंने पहने नहीं थे लेकिन बाकायदा पैरों से खून निकल आया है। साजन तो नहीं, लेकिन हाँ इस साजन के सामने आज झनक इस तरह से झूमी है कि उसे होश ही नहीं रहा कि उसके पैर के नीचे कांच के टुकड़े आ गए हैं। झनक के पैर लहूलुहान हो गए हैं। इसके बावजूद वो अपनी बहन की आशीर्वाद सेरेमनी में झूम झूम कर नाच रही है। तानी जनक को इतनी फुटेज क्यों चाहिए रहती है, हर वक्त कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती है। अब पैर में चोट लग गई उसके, अब हमारे घर में किसी का ध्यान नहीं जाता उसकी चोट पर, सिर्फ अनिरुद्ध का जाता है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंटेंशनली भी सारी चीज़ें करती है। तनुजा ऐसे सोच सकती है, बट हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो एक जेन्युइन हर्ट लग एक चोट लगी उसके पैरों में। हालांकि उसका मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसकी मासी ने कहा कि तुम अपनी बहन की खुशी में शामिल नहीं होना चाहती हो क्या? कहने की बात अलग होती है और ताना मारने की अलग। सृष्टि मासी तो हमेशा ताने ही मारती है। यहाँ पर परिवार तो हमेशा से ही खुश होता है जब जब झनक को डांट पड़ती है, लेकिन आज अनिरुद्ध को बुरा लग रहा है क्योंकि इस सच में तकलीफ हो रही है झनक को। हमारा पूरा परिवार तो बहुत ज़्यादा खुश है। अब अनी अपसेट रहता है या वो डबल माइंड है या कंफ्यूज्ड है, ना खुश है, हमें भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है उसके साथ। अब यहाँ पर हम एक बात जरूर कहेंगे कि झनक और अनिरुद्ध दोनों ही डबल माइंड में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो दोनों चाहते क्या हैं। कभी एक दूसरे को बहुत बातें सुनाते हैं तो कभी एक दूसरे की परवाह करते हैं। अब दोनों से हम यही कहेंगे कि अगर आप दोनों अपने रिश्ते को लेकर कंफ्यूज रहेंगे ना तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। समझ जाइए और पहचानिए कि आखिर आप दोनों एक दूसरे से चाहते क्या हैं। है मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।